हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। आपके एग्ज़ाम में एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं, कई बार आए भी हैं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा एनर्जी का टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा आपकी लाइफ में और हमारे बीच में भी। तो आप लोग पेशेंस रखें, हेडफोन को कान में लगाएं और लग जाएं पढ़ने में, ठीक है ना। तो एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, किस फंक्शन पे काम करती है, कैसे क्या होगा, ये सभी चीज़ समझेंगे आज हम लोग। एनर्जी के साथ में हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। इन तीन चीज़ों को पूरा का पूरा आज हम लोग घोल के पी जाएंगे, ठीक है ना। सब कुछ खत्म कर देंगे इसका। तो एनर्जी एक्चुअल में क्या है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एनर्जी क्रिएट करी। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको अगर समझना चाहें आप बहुत आसान समझ सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क और उस वर्क का स्टोरेज क्या होता है, एनर्जी होता है। अगर हम किसी वर्क को स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया है, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी वर्क करने की कैपेसिटी जो होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो जो कैपेसिटी वर्ड आया यहाँ पर, इस वर्ड का क्या यूज़ है यहाँ पर, तो इसका यूज़ ये है कि अगर हम किसी भी लेवल पर, कोई भी मटेरियल पर, कोई भी जगह पर, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटी एक ऐसा वर्ड है जो उसे समझ के आएगा कि हाँ एनर्जी इतनी है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के साथ में वो थोड़ा डिस्प्लेस होता है, उसी की डायरेक्शन में, किसकी फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब है उसने वर्क किया, ठीक है। वो जो वर्क कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, तो वो कर रहा है एनर्जी के थ्रू। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी है तो वो वर्क कर सकता है, बात समझे। इसके पास एनर्जी है तो ये वर्क कर सकता है, ठीक है। इसके पास एनर्जी नहीं है, वर्क नहीं कर सकता। एनर्जी करने का मतलब यह है कि एनर्जी इसके पास है, दो तरीके से हो सकती है। इसमें एनर्जी स्टोर कर दी जाए, ठीक है, या इसको एनर्जी दे दी जाए। स्टोर करी गई जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में है, चल रहा है, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। इन सभी के बारे में भी हम लोग समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके भाग हैं। तो ये है भाग जब कोई पार्टिकल किसी भी स्पीड से चलता है, या मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। इस दुनिया में कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होता है, दूसरा पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी पोजिशन की वजह से होता है। अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, और उसकी कहीं पर भी पोजीशन है, एक पार्टिकुलर यहाँ पर ऐसा समझिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसकी पोजीशन है एक्स टी इज इक्वल टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, या बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा रखिए, टी प्लस टू कर लीजिए ओनली, ये हो जाएगा टी प्लस टू। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट मास है और टी बराबर 0 सेकंड पर ये 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। टी बराबर 0 सेकंड की दूरी पर 2 मीटर में है, टी बराबर 3 सेकंड की दूरी पर कितनी दूरी पर हो जाएगा, एक बेसिक सा एग्जांपल है। अगर टी बराबर हम रखेंगे 0 तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स टी कितना आ जाएगा 2। टी बराबर 1 रखने पे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा कितना 3। कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। मोशन में होने के साथ में इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब इसके पास में कोई मास होगा, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसके पास मास ना हो, सोचिए कितनी अच्छी बात है ना, सभी के पास मास है, मास का लफड़ा है। तो ये एक बेसिक चीज हो गई। तो आप ऐसे याद रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अब कहेंगे सर ये मैकेनिकल, हम लोग तो एनर्जी पढ़ रहे तो मैकेनिकल कहाँ से आ गया। मैकेनिकल का मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में है,
ठीक है, मोशन में रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। इस मोशन को हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, कोई पंप काम कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये हाथों को हिला रहा हूँ तो मेरे पास एनर्जी है हाथों को हिलाने के लिए, ये यहाँ पर मार्कर से लिख रहा हूँ इसके लिए एनर्जी है आपकी। आप बैठे हुए इस मोबाइल को ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास में एक बेसिक एनर्जी होती है और उस एनर्जी से ही वो अपने सारे काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट को याद रखिए, पी से पोजीशन, के से काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होगी, क्लियर। अब ये दोनों एनर्जी एक साथ कब होगी, जब हम किसी पार्टिकल पर वर्क करेंगे तो कभी ये होगी कभी ये होगी, कभी दोनों होंगी एक साथ में, दोनों चीज़ें समझते रहिए वन बाई वन करके। तो अब हमने ले लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, ये एफ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चल के आया, मीन्स यहाँ से वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो उस पार्टिकल ने इतनी डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, या एस डिस्टेंस ले लीजिए, एस डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कब ट्रेवल करी, जब हमने इसे फोर्स अप्लाई किया, जब हम फोर्स में अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, वर्क कर दिया भाई, ओके क्लियर है, हमें वर्क कर दिया। अब देखो फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों के बीच डायरेक्शन कितना है 0 डिग्री, तो वर्क कितना हो जाएगा एफ एस हो जाएगा। हमने माना कि इसका मास है एम, माना इसका मास है एम, मान लिया हमने एक 2 किलोग्राम का पीस रखा हुआ है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से वो 2 किलोग्राम का पीस जो है थोड़ा सा आगे खिसक के गया 2 मीटर। ठीक है, तो वो मास तो यहीं पे रहेगा, एम हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक खिसक के आया है तो इसका मतलब है इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी भाई, क्लियर सी बात है। जब वो जाएगा ऐसे करके, जैसे मान लो यहाँ पे रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0, और यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब वेलोसिटी है, मीन्स पर यूनिट टाइम पर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी इसकी वेलोसिटी कहते हैं, तो आपको पता ही है। तो यहाँ से ये यह यहाँ आया तो इसके पास में एक्सेलरेशन आ गया ए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। हमने माना इस लोकेशन पर इसकी वेलोसिटी थी यू, इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और इस पर पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, वी या ऐसे ले सकते हैं, वी आई कर सकते हैं, वी एफ कर सकते हैं। तो एसेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, एसेलरेशन हो जाएगा वी फाइनल वी इनिशियल बाय टाइम, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा, ओके क्लियर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मोशन की कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब वर्क तो आपको वहां से मिल गया है, आपने फोर्स का ही फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल होता है एम ए, तो यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा एम ए एस हो जाएगा एम ए एस। एक एक चीज को क्लियरली समझिए कि हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट पर वर्क अप्लाई किया है, फोर्स लगाया है, फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, और जाने की कंडीशन पे उसके पास हो रहा है मोशन, मोशन के साथ में उसके साथ में है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी, हम लोग यही समझने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया वर्क का फॉर्मूला, कितना एम एस आ गया। अब हमें पता है कि अगर हमें दोनों वेलोसिटी को लेना है, वी भी लेना है, यू भी लेना है, और 2 AS भी लेना है, ठीक है, 2 AS भी लेना है, तो ये हो जाएगा वी फाइनल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू AS। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, दोनों में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन हो रहा है, हाँ सर कॉमन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा वर्क इज इक्वल टू एम, बाहर है उसमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे कहेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से समझिए एक बार, ये आपका फॉर्मूला आया है अभी अभी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब समझिए क्या है, यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो इसके पास में, मान लीजिए ये रुका हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू और इसका मास था एम, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी के आई इनिशियल। ठीक है, जब हमने इसे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई के साथ में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसकी डिस्प्लेसमेंट है एस, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है जिसके पास एसेलरेशन है ए, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसकी वेलोसिटी हो गई वी,
और ये यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है KF, मीन्स के फाइनल। तो इसकी वैल्यू कितनी? तो फाइनल वाली हो जाएगी ये, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के। किसके बराबर आया? W के बराबर आया। W क्या है आपका? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन है ना आपका, किस पर है? इस ब्लॉक पर है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? वन बाई टू एम वी स्क्वायर के बराबर होता है वर्क डन। हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर वर्क डन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसी का फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी को कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है हमें, एफ डी कॉस थीटा के फॉर्म में भी सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ये वाले भी फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे के सारे क्लियरली याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था या चल रहा था, अब आपने समझा कि ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में। तो ऑब्जेक्ट को ऐसे समझिए कि आपके पास में ये एक बंदूक है, मैंने बंदूक वाला एग्जाम्पल आपको कराया भी है। ठीक है, ये इसका खटका है, ट्रिगर मींस, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी हो जाएगी? 0। मास है इसके पास, ये बुलेट है, बुलेट का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। जैसे ही खटके को हमने दबाया, यहाँ से निकली गोली जिसकी स्पीड है v। ठीक है, जिसकी स्पीड है v, तो इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड के साथ में एनर्जी कितनी हो जाएगी? mv स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब ये mv² एनर्जी लेकर के आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जा करके एक लकड़ी के गुटके पे, ठीक है, वुडन बॉक्स पे जाके टकराता है। तो ये वुडन बॉक्स पे जब टकराएगा तब क्या होगा? तो ये गया गया गया, ये वाली बुलेट गई यहाँ पर, और इस वाले गुटके में जा करके यहाँ से गई और यहाँ तक धस गई, यहाँ पर आके, सॉरी, यहाँ पे आके धस के रुक गई यहाँ पे। इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक्स, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर कि इस लकड़ी के गुटके के द्वारा लगने वाला रिएक्शनल फोर्स कितना, लगने वाला रिएक्शनल फोर्स कितना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, रिएक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो गुटका जो गोली है इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। तो इस एफ की वैल्यू आपको निकालनी होगी, इस कंडीशन में हो जाएगा 1/2 x mv² इज इक्वल टू एफ। ये वाला आपको फॉर्मूला कई बार ऐसे पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, ऐसे कोई पूछ सकता है, तो कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसके आगे आइए, समझ में आया काइनेटिक एनर्जी? बताइए, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया भाई लोगों? अच्छा, इसी का एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। एक आदमी छत पर से, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, बालू में कूदता है, बालू द्वारा मनुष्य के ऊपर, मानव के ऊपर, आदमी के ऊपर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल 10 न्यूटन का है, प्रतिक्रिया बल 10 न्यूटन का है, तो बालू में गिरने पर वो 10 मीटर अन 10 मीटर तो बहुत हो गया, ठीक है, 10 मीटर बहुत हो गया, 1 मीटर भी बहुत हो गया, 1 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया, 10 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है बालू के। तो मानव की, आदि मानव की स्पीड कितनी होगी? बताइए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके साथ में। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में कि आप रेलगाड़ी से आगे जा रहे हैं,
रेलगाड़ी में बैठे हैं और आपने रेलगाड़ी पर बैठे बैठे गेंद को उछाला, तो गेंद कहाँ गिरेगी बताइए? गेंद कहाँ गिरेगी? आपके हाथ में गिरेगी। ओके, अगर आपने यही गेंद खिड़की से बाहर फेंक दी, यही गेंद खिड़की या विंडो से बाहर फेंकी, तो विंडो के बाहर खड़े हुए इंसान को जो गेंद होगी उसका पाथ कैसा दिखेगा? ठीक है, उसका पाथ कैसा दिखेगा बताइए, और आपको कैसा दिखेगा? तो आपको दिखेगा लीनियर, और जो बाहर होगा उसको दिखेगा पैराबोलिक। ये क्वेश्चन याद रखिए, ये भी आ सकता है एग्जाम। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आगे चलिए। अब आपके आगे क्या दिखना है इसमें? अब इसमें कुछ सारे न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बता दिए, जो इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो ऐसे बनेंगे, ज़्यादा इसके हाईली न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, इतना बनेगा, बाकी जो होगा प्रैक्टिस में कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब आइए, दूसरा पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे आप समझ सकते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, और उसको आपने फोर्स लगाया और उसको उठा ली, उठा के यहाँ तक लाए। मतलब मान लीजिए ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमेशा रखा रहेगा जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे उठा ना लें, ठीक है ना? आपने इसको फोर्स लगाया और उठा लिया ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर रखे हुए हैं इसको। कंडीशन क्या बन रही, समझ रहे हैं आप बात को? समझने का मतलब ये है, आपने इसको उठाया और यहाँ पे रखे रहे, इसका मतलब ये है कि इसने आप पर काम नहीं किया, पर आपने इस पे काम कर दिया है, ठीक है? वर्क डन बाय यू, ठीक है? जब आपने इस पर काम किया ऑन मी, तो इस पर एक एनर्जी आ गई, इसके पास एक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? इसकी पोजीशन की एनर्जी। यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ थी, यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ हो गई, ठीक है? जब इसको छोड़ देंगे यहाँ से, तो इसके पास जो एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमने खर्च करी थी, वो एनर्जी इसके पास आ जाएगी। इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात समझिए, ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है? यहाँ पर एक मास रखा है जिसका वेट है 10 kg, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमने कहा सर बताइए इसकी एनर्जी कितनी है, तो कहा जीरो एनर्जी। कैसे? ना ही ये मोशन करना, ना ही कुछ कर रहा है। मोशन नहीं करेगा तो वी नहीं होगा, वी नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, के इक्वल जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक जीरो एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी अभी कितनी है? जीरो है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिया है, क्लियर है? तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर आए जिसका मास है 10 kg, एम ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए, और हमने इस पर एक फोर्स लगाया। किधर लगाया फोर्स? इसे उठाने के लिए ऊपर लगाया, इधर की तरफ, ठीक है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? ऊपर की तरफ हुआ, और फोर्स भी किधर लगाया? ऊपर की तरफ। तो वर्क हो गया कितना? F इंटू डी हो गया, क्लियर है? तो हमने कितना इसको डिस्प्लेस किया है? हमने इसको डिस्प्लेस किया h ऊंचाई तक हमने इसको जाया, तो d कितना हो गया? h हो गया, तो w कितना हो गया? F इंटू एच हो गया, क्लियर है? अब ये जो F इंटू एच हो गया, F की वैल्यू कितनी होती है? m। ए की वैल्यू क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसके मतलब ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच, ठीक है? समझते रहिए वन बाई वन करके। जो हमने इस पे वर्क किया है, देखिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इसका मतलब ये है कि फोर्स लगेगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट जाएगा ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180, और 180 की वैल्यू कितनी थी? -1। तो यहां से जो डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस का mgh, माइनस का mgh, माइनस का mgh। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जब हम इसको लाके रखेंगे तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? वो एनर्जी कितनी होगी? mgh, ठीक है? और सिस्टम ये होगा कि ये एनर्जी यहां पर कितनी थी? जीरो, और यहां पर हो गई mgh। एक सेकंड, थोड़ा यहां पे समझिए इसको। यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, ये था 10 kg का, ये था m। इसको उठा के हम लेकर के आए यहां पर 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये था हमारा h, ठीक है? जब हम इसको ऊपर लेकर के आए तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स f था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रही थी, दोनों का एंगल हो गया थीटा, जीरो,
ठीक है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क करना स्टार्ट करेगा तो ये एफ हो जाएगा और एफ नीचे की तरफ करेगा और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर की ओर कर रहे थे, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे कितना था 0, दो वर्क हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्क आएगा माइनस का एफ डी, एक वर्क आएगा प्लस का एफ डी, तो यहाँ पर अभी कौन सा वर्क है ये बताइए, माइनस या प्लस, बताइए 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 बताइए। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का एफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये वाला माइनस का एफ है। जब हम इसको प्लस का एम जी एच फोर्स दे देंगे तो ये ऑब्जेक्ट वही फोर्स लेकर के नीचे आ जाएगा। फोर्स का मतलब क्या है, एनर्जी, वही एनर्जी लेकर के नीचे आएगा और उसको अपना काम करेगा, जो भी करना होगा, यहाँ से यहाँ तक किसी को मारना होगा, कूटना होगा, करना होगा, जो करना होगा उसे पटक पटक के मारना होगा, वो करना होगा। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एनर्जी हो गई। किसी भी एक पार्टिकुलर पोजिशन, देखिए यहाँ पर एक पोजीशन है ना, यहाँ पर क्या है एक्स 0 है, यहाँ पर एक्स कितना है 10, तो ये एक बेसिक कंडीशन है। इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी कंडीशन को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ क्या होता है, एफ होता है एम डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या होता है आपका डिस्टेंस एस, ठीक है, या एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, डब्ल्यू इज इक्वल आ गया आपका एम जी एच, एमजीएच याद रखिएगा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप होते हैं, मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन एनर्जी की वजह से है। ऐसे ही एक आता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये भैया कौन चढ़ गया है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है आपका स्प्रिंग्स के ऊपर, स्प्रिंग में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो फोर्स लगता है जो दोनों कंडीशन को बैलेंस करने के लिए काम करता है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि एक यहाँ पर पेंडुलम है जो ऐसे लटक रहा है, लगातार ऐसे से गति कर रहा है, वो इसलिए गति कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रुका हुआ था, हमने इस पर एक फोर्स लगाया और इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, इतना, तो एक कंडीशन पे वो यहाँ होगा, एक कंडीशन पे यहाँ होगा। अच्छा, इस वाली कंडीशन को समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये एम मास रखा हुआ है, जब हमने इसको पकड़ के यहाँ तक लेकर के आए तो इसके पास एक एनर्जी आ गई, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आ गई, इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया, पोजीशन को जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे एक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अभी हमने इसको क्या कर रखा है, हमने इसको पकड़ रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई और हमें इसे छोड़ दिया, छोड़ने के साथ में ये एनर्जी को लेकर के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर इसके आगे नहीं जा पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है भैया, फॉर्मूला का है हमारा काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, वी 0 तो क्या हो जाएगा, के भी 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पर के 0 हो गया आपका। हमें सर ये काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सारी एनर्जी कैसे पहुंच गई यहाँ पर, यहाँ पर पहुंच गई पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर यहाँ से वापस आना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर जाएगा। आप सोचिए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होगी, इस वाले पॉइंट पर होगी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, तो यहाँ पर आएगा वी मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम कहाँ पर बनेगा, बीच में। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिडिल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0, मैक्सिमम, मिनिमम, सब, तो आंसर क्या होगा आपका, मैक्सिमम, ठीक है। पीक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम, यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम यहाँ पर होगी, यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, कांस्टेंट, जितनी एनर्जी इसको देंगे उतनी रहेगी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब फिर समझिए एक बार, इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ और यहाँ, सॉरी गलत बन गया क्या, गलत बन गया, हाँ इतना, इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो वाला फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि पहले हमने जो एनर्जी स्टोर करी थी, ठीक है, उसको रिस्टोर करना, मींस जब हमने यहाँ पर इसको छोड़ा तो यहाँ पर एक एनर्जी आ गई, वो एनर्जी छोड़ी हमने तो यहाँ पर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताइए, जीरो होगी, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला बन गया, एफ इज इक्वल टू के एक्स निगेटिव, ये निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि भैया ये फोर्स जिधर काम करेगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, पर उसकी दिशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है ना। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का कुछ मामला, काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन बनेंगे, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी का पूरा अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारी पोटेंशियल एनर्जीज होंगी, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी, बस सिर्फ एनर्जी के लिए होगा वो अलग से एक सीक्वेंस वीडियो जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले होंगे और सब कुछ अलग अलग होगा, ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है। अब इसमें जो आपको देखना है, इसको भी साफ कर दो, कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ये देख लीजिए, इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, एक काम की जो है, जैसे स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्राफ भी याद रखिएगा, ये के है और ये एफ है, ठीक है, और सॉरी ये एक्स है, ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है एक्स, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है कुछ, नहीं फोर्स और के बीच में, सॉरी मैंने सही लिखा था पहले, एफ और एक्स के बीच में, ये ऐसा ग्राफ बनता है। अब कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम ए एस इज इक्वल टू एम वी बाई टी एस, ये सब बराबर हैं एक दूसरे के, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिससे आपके सारे सवाल इजीली हो जाए, ठीक है ना, इतना याद रखना है। फिर अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, जो आगे होगा आपका कंजर्वेटिव पावर ये सब दिया हुआ है, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ देखेंगे, ठीक है। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।